अपना टॉपिक चल रहा था मसल्स, मसल्स यानी कि पेशी, ठीक है। पेशी जो होती है वो मस्कुलर टिश्यू की बनी होती है। किस टिश्यू की? मस्कुलर टिश्यू की, यानी कि पेशी है उत्तक की बनी होती है। और आपको पता है पेशी है उत्तक का निर्माण भ्रूण के किस स्तर से होता है? मेसोडर्म। मसल्स मैं से, मसल्स और मैं से मेसोडर्म, यानी कि इसका उद्भव किससे होता है? भ्रूण के मेसोडर्म से, क्योंकि हार्ट एक क्या है? पेशीय अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है, तो उसका निर्माण हम पढ़ते हैं कि भ्रूण की किससे होता है? मेसोडर्म से होता है, ठीक है। जैसे ब्रेन का पढ़ा था हमने, ब्रेन का किससे होता है? एक्टोडर्म से, क्योंकि वो एक क्या है? नर्वस स्ट्रक्चर है, तंत्रिका तंत्र वाला सिस्टम है, ठीक है। तो पेशी उत्तक है जिसका निर्माण किससे होता है? भ्रूण की मेसोडर्म से होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा जो पेशी उत्तक या पेशियां जो होती है उसको तीन भागों में बांटा गया था। पेशी को कितने भागों में बांटा गया था? तीन भागों में। मसल्स तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी? पहली है स्केलेटल मसल्स। पहली मसल्स कौन सी है? स्केलेटल मसल्स। दूसरी मसल्स हमने कौन सी पढ़ी? विसेरल, जिसको क्या कहा जाता है? आंत्रास मसल्स कहा जाता है। तीसरी मसल्स कौन सी होती है? कार्डियक मसल्स होती है। कार्डियक को क्या कहा जाता है? हृदय मसल कहा जाता है। इस तरह जो ह्यूमन शरीर होता है या किसी प्राणी के शरीर होता है उसमें तीन प्रकार की मसल जो होती है वो बनी होती है। अब आपसे पूछ लिया जाए, सबसे पहली मसल्स है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स की अगर आकृति की बात करें तो ये स्तंभाकार सेल की बनी होती है। कैसी सेल की? स्तंभाकार, इस तरह स्तंभ से लगे रहते हैं। किस तरह? इस तरह स्तंभाकार सेल्स की बनी होती है। पॉली न्यूक्लियाई होती है, बहुत सारे क्या होते हैं इसमें? न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस होते हैं। और स्ट्रेटेड होती है या अनस्ट्रेटेड? लाइनदार होती है। इस तरह क्या पाई जाती है इसमें? धारियां पाई जाती है, स्ट्रेटेड होती है। ये कौन सी होती है? स्केलेटल। क्या हम स्केलेटल जो मसल्स होती है उसको मर्जी के अनुसार मूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या होती है? वॉलेंट्री होती है। क्या होती है? मर्जी के अनुसार मूव होने वाली होती है। इसको हम गति करवा सकते हैं। तो वो कौन सी मसल्स होती है? स्केलेटल मसल्स होती है। इसमें हमने एक एग्जांपल भी बताया था, कौन सा? बाकी तो हाथ पैर की सारी मसल्स कैसी होती है? स्केलेटल मसल्स होती है। लेकिन एक एग्जांपल हमने पढ़ा था एब्डोमिनल। एब्डोमिनल कैसी होती है? स्केलेटल होती है। बच्चे क्या कर देते हैं? एब्डोमिनल को विसेरल कर देते हैं, लेकिन नहीं होती। एब्डोमिनल बेली डांसर जो होती है वो अपनी एब्डोमिनल वॉल को, मसल्स को मूव करवा सकती है अपनी इच्छा के अनुसार, बस थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ता है। तो एब्डोमिनल मसल्स किस प्रकार की मसल्स है? स्केलेटल मसल्स है, ठीक है। दूसरी विसेरल मसल्स कौन सी होती है? अंतरांगों से संबंधित, जैसे मूत्राशय की दीवारों में पाई जाने वाली मसल्स कैसी होती है? विसेरल मसल्स होती है। कार्डियक मसल्स हार्ट से रिलेटेड होती है, ठीक है। हमने संरचना की बात कर रहे थे तो सेकंड नंबर लिखेंगे आप, हेडिंग लगाएंगे विसेरल मसल्स। ये हमने कल के लेसन में लिख लिया था स्केलेटल, नेक्स्ट आप लिखोगे विसेरल मसल्स। आंत्रांग मसल हेडिंग लगाएंगे, साथ साथ में लिखेंगे आंत्रांग मसल, विसेरल मसल्स। या इसको क्या कहा जाता है? अन्य नाम ले तो इसको स्मूथ कहा जाता है ना। अब ये बताओ, क्या कोई प्राणी अपने मूत्राशय की भित्तियों को या पेशियों को अपनी मर्जी के अनुसार फैला सिकुड़वा सकता है क्या? नहीं सिकुड़वा सकता। तो इस कारण ये मसल्स कैसी होती है? इनवॉलेंट्री होती है। कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। कैसी होती है? अनैच्छिक होती है, ठीक है। अब ये बताओ कार्डियक मसल्स कैसी होती है? ऐच्छिक होती है या अनैच्छिक होती है? कार्डियक मसल्स, कोई व्यक्ति ऐसे सोच सकता है कि हृदय को मैं आज एक मिनट में कितनी बार, हजारों बार धड़काऊंगा, धड़कवा सकता है क्या? नहीं धड़कवा सकता। तो ये भी क्या होती है? अनैच्छिक होती है। तो ऐच्छिक कौन सी हुई? स्केलेटल मसल जो होती है वो वॉलेंट्री होती है, बाकी दोनों क्या होती है? इनवॉलेंट्री होती है। ये बात हम लिख रहे थे तो सब, अब आप हेडिंग लगाएंगे विसेरल मसल्स और लिखे इसमें, लिखे इस मसल्स को चिकनी मसल्स भी कहा जाता है, स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। इस मसल्स को चिकनी मसल्स या स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। इस मसल्स को चिकनी मसल्स या स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट लिखेंगे, इसको व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, इसको व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार मूवमेंट करवा सकता है या नहीं करवा सकता? नहीं करवा सकता। इस कारण ये क्या होती है? अनैच्छिक होती है, इनवॉलेंट्री होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, इसको अपनी मर्जी के अनुसार, इसको अपनी मर्जी के अनुसार, इच्छा के अनुसार गति नहीं करवा सकता या गति नहीं करवा सकते। इस कारण यह है अनैच्छिक होती है, इनवॉलेंट्री होती है, अनैच्छिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कल मैंने इसकी आकृति बनाई तो बिल्कुल कैसी बनाई थी? आंख के जैसे नहीं बनाई थी, बनाने में आसान हो जाए इसलिए मैंने इस तरह बनाई थी। देखो तर्कुरूपी कहा जाता है इसे, स्पिंडल सेल लाइन। ठीक है, तर्कुरूपी होती है, कुछ इस तरह होती है। पॉली न्यूक्लियाई नहीं होती, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। ये लीजिए, केवल एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इस तरह की मसल जो होती है वो कौन सी होती है? आंतरांग मसल्स होती है, विसेरल मसल्स होती है। पॉली न्यूक्लियाई नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। लिखिए, इसे चिकनी मसल्स भी कहा जाता है। यह तर्कुरूपी स्पिंडल सेल, यह तर्कुरूपी, एक ही केंद्रक पाया जाता है मध्य में बड़ा आकार का। ठीक है, यह तर्कुरूपी होती है, अनैच्छिक होती है। लिख लिया क्या? अनैच्छिक। ठीक है, तर्कुरूपी होती है, स्पिंडल लाइन। इसके मध्य भाग में एक केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। मध्य भाग में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, एग्जांपल लिख लेना, क्या लिखोगे? यूरिनरी ब्लेडर की मसल्स, यूरिनरी ब्लेडर की मसल्स। उदाहरण लिख लेना, यूरिनरी ब्लेडर की मसल्स इसका उदाहरण होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर की मसल्स। ठीक, यूरिनरी ब्लेडर मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आप कार्डियक मसल्स। कौन सी मसल्स? कार्डियक मसल्स। अगली मसल जो है वो है कार्डियक मसल्स, लास्ट जिसको हृदय पेशी पे कहा जाता है, कार्डियक मसल्स। मैंने आपको शुरुआत में अगर याद आ रहा है तो मैंने इसको अनब्रांच्ड बताया था। किसको? स्केलेटल को बताया था अनब्रांच्ड। अनब्रांच मतलब सीधी बताई थी, एक बना के ये सीधी बनाई थी, कोई ब्रांच नहीं है। ये एक मसल्स है, ये दूसरी है, तीसरी है, ये चौथी है, कोई ब्रांच नहीं थी। लेकिन जो कार्डियक होती है वो क्या होती है? ब्रांच्ड होती है। कार्डियक कैसे होती है देखो, ये दो शाखा है इसकी, इसके नीचे दूसरी है। ठीक है, कार्डियक इस तरह जो है वो ब्रांच में बंटी रहती है। कार्डियक क्या होती है? एच शेप की मान सकते हैं, या कोई भी ब्रांच में बंटी होती है, दो शाखाएं होती हैं और इनका संबंध आपस में बना रहता है। ऐसी मसल्स होती है वो कार्डियक मसल्स होती है, हृदय की मसल्स होती है। लिखें इसमें, शेप जो होती है वो इसकी सिलेंड्रिकल होती है। कैसी होती है? लिखिए, इसकी शेप सिलेंड्रिकल होती है, इसकी शेप सिलेंड्रिकल व ब्रांच्ड होती है, शाखित होती है। सिलेंड्रिकल, इसकी शेप सिलेंड्रिकल होती है व ये शाखित होती है। ठीक है, क्या लगता है? पॉलीन्यूक्लियाई होगी या यूनि? यूनि, एक एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, ये लीजिए एक न्यूक्लियस। ठीक है, ये दूसरा इसमें, यह है यूनि न्यूक्लियस।
न्यूक्लियाई होती है, एक ही न्यूक्लियस वाली होती है। कौन सी? कार्डियक। यह है यूनिन्यूक्लियाई, एक ही न्यूक्लियस वाली होती है, एक ही न्यूक्लियस वाली होती है। ठीक है। वॉलेंट्री होती है या इनवॉलेंट्री होती है? लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। लिखे, यह पेशी अनैच्छिक होती है, इच्छा के अनुसार इसको क्या नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, इच्छा के अनुसार मूव नहीं कर सकते। ठीक है। कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे? क्या लगता है, मैंने लाइनें बनाई है या नहीं बनाई? इसमें बनाई है, तो कैसी होती है? ये स्ट्रेटेड होती है। नेक्स्ट लिखेंगे, यह रेखित प्रकार की पेशी होती है, स्ट्रेटेड पेशी होती है। कौन सी? कार्डियक। यह रेखित प्रकार की पेशी होती है, यह रेखित प्रकार की पेशी होती है, यह रेखित प्रकार की पेशी होती है। ठीक है। अब देखो, एक यह है और एक इसके नीचे, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है, दोनों मसल्स को जोड़ने के लिए जो जॉइंट पाया जाता है, उसको कहा जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या लिखोगे? लेकिन दो कार्डियक मसल्स के बीच, दो कार्डियक मसल्स के बीच, दो कार्डियक मसल्स के बीच पाई जाने वाली डिस्क को इंटरकैलेटेड डिस्क कहा जाता है। पाई जाने वाली डिस्क को इंटरकैलेटेड डिस्क कहा जाता है। कोई अंतर्विष्ट पट वगैरह कहते हैं, अंटरकैलेटेड डिस्क कहा जाता है। लिख लिया। नेक्स्ट देखो, अब देखो, इन दोनों के बीच में बनता है गैप जंक्शन। क्या बनता है? गैप जंक्शन। पहले भी नाम कहीं सुना है क्या? है, कहां सुना है? इन दोनों के बीच में बनता है गैप जंक्शन। क्या होता है गैप जंक्शन? चलो छोड़ो छोड़ो गैप जंक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये दो मसल्स जुड़ रही है, इनके बीच में एक ऐसा संबंध बन जाए, न्यूरॉन्स के बीच में बन जाए, हाँ वो भी मान सकते हैं, न्यूरॉन्स के बीच में भी ऐसा संबंध बन जाए कि जिनसे पाइप लाइक संबंध कह सकते हैं इसको। ठीक है। एक ऐसा संबंध बन जाए जिनसे साइटोप्लाज्म जो है वो आदान प्रदान हो सके। ठीक है। यानी कि एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे में जा सके, ऐसे पाइपलाइन जंक्शन को क्या कहा जाता है? गैप जंक्शन कहा जाता है। तो इनके बीच में गैप जंक्शन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। किनके बीच में? कार्डियक वालों के बीच में। लेकिन कार्डियक मसल्स के बीच में गैप जंक्शन बनते हैं, कार्डियक मसल्स के बीच में यहां बनेंगे, देखो इस तरह यहां बीच में पाइप सा समन सा बन जाएगा इस तरह बीच में। ठीक है। इसके बीच में संबंध बनता है, कार्डियक मसल्स के बीच में गैप जंक्शन पाए जाते हैं, गैप जंक्शन पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, गैप जंक्शन ऐसे पाइप लाइक जॉइंट होते हैं, गैप जंक्शन ऐसे पाइप लाइक जॉइंट होते हैं जिनके बीच में से साइटोप्लाज्म आदान प्रदान हो सकता है। गैप जंक्शन ऐसे पाइप लाइक जॉइंट होते हैं जिनके बीच में से साइटोप्लाज्म आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है। अब
बाइंडिंग पाई जाती है जो इनको और साधे रखे। एक क्या पाई जाती है इनमें, टाइट बाइंडिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टाइट बाइंडिंग पाई जाती है जो इनको पूर्णतः एक दूसरे से साधे रखती है, जोड़े रखती है। उन टाइट बाइंडिंग को डेस्मोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेस्मोसोम कहा जाता है। हाँ, ये नाम सुना है क्या? ये नाम सुना है, डेस्मोसोम। चलो लिखो। इसके अलावा इन मसल्स के बीच में टाइट बाइंडिंग पाई जाती है। इन मसल्स के बीच में टाइट बाइंडिंग पाई जाती है जिन्हें डेस्मोसोम कहा जाता है। जिन्हें डेस्मोसोम कहा जाता है। किसके लिए होती है? टू होल्ड सेल्स टुगेदर, सेल्स को साथ में जोड़े रखने के लिए, जिन्हें डेस्मोसोम कहा जाता है। ये दो सेल्स को आपस में जोड़े रखती है, ऐसी संबंध को डेस्मोसोम कहा जाता है, जो दो सेल्स को आपस में जोड़े रखता है, जो दो सेल्स को आपस में जोड़े रखता है। आई बात समझ में? ये हुई तीन प्रकार की मसल्स और उनकी संरचना। ठीक है, तीन प्रकार की मसल्स होती है और इनकी ये संरचना होती है जो हमने लिखी है। ठीक है, सबसे पहले थी स्केलेटल मसल, उसके बाद में आंतरांग या विसेरल मसल जो स्मूथ भी कहलाती है और इनवॉलेंट्री भी होती है, कार्डियक हार्ट वाली होती है, ये भी इनवॉलेंट्री होती है। ये शेप जो है इसकी सामने दिखाई दे रही है, इसकी शेप ये होती है और ये सिलेंड्रिकल होती है। और वो क्या होती है? ये स्तंभाकार होती है, वो भी स्तंभाकार है लेकिन वो ब्रांच्ड है और ये अनब्रांच्ड है। ठीक है, ये सीधी होती है, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, उसमें भी एक ही न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या होती है? पॉली न्यूक्लियर होते हैं। स्ट्रेटेड कौन कौन सी होती है? पहली और लास्ट वाली क्या होती है? स्ट्रेटेड होती है, बीच वाली अनस्ट्रेटेड होती है। ठीक है, ये बात हमने लिखी। टाइट बाइंडिंग, टाइट एक ही शब्द अर्थ एक ही है इनका। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे आप डायग्राम बनाना चाहते हो क्या? तीनों के डायग्राम बना लें आप अलग से। ठीक है, तीनों के डायग्राम बना लें। इसके बाद में नेक्स्ट आप हेडिंग लगाएंगे फंक्शंस ऑफ मसल्स। मसल्स का क्या काम रहता है, मसल्स के कार्य। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्य, क्या क्या कार्य रहते हैं। ठीक है, ये मिटा देते हैं, ये तो आपने देख ली। नेक्स्ट हेडिंग में हम बात करेंगे मसल्स के कार्यों पर। काम, वर्क ऑफ मसल्स। सबसे पहला काम तो क्या होएगा? लोकोमोशन और मोमेंट। क्या होएगा? सबसे पहला काम क्या होएगा? लोकोमोशन और मोमेंट। क्योंकि हमें क्या करता है? कंकाल या मसल्स गति प्रदान करती है ना। तो लिखिए पहला कार्य लिखेंगे आप। हेडिंग क्या लगाने? सीधा लिख लो इसमें मैं क्या लिखूं। ये लोकोमोशन में मूवमेंट में सहायता करता है, ये बात तो आप जानते हो। ये है लोकोमोशन में मूवमेंट में सहायता करता है। लोकोमोशन और मूवमेंट में अंतर समझते हो क्या? लोकोमोशन क्या है? लोकेशन में चेंज है और मूवमेंट एक स्थान पर हिलना डुलना है। कोई एक स्थान पर डांस कर रहा है तो वो तो क्या है? मूवमेंट है। और डांस करता करता इधर उधर घूम रहा है तो वो क्या है? लोकोमोशन है। ठीक है, तो लोकोमोशन और मूवमेंट लिख लिया। नेक्स्ट लिखोगे आप दूसरा क्या काम क्या होता है? जो सर्दियों में अभी सबसे ज्यादा होता है, क्या होता है? शिवरिंग नहीं होता, मतलब क्या होता है? कांपना। कांपते हो ना, और क्यों कांपते हो पता है? कांपने से हमारी एटीपी लगती है, कांपने से ऊर्जा लगती है। कांपोगे तो क्या होएगा? ऊर्जा लगेगी। और जब जब ऊर्जा लगती है तो आप ये ध्यान में रखना, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब जब ऊर्जा लगती है तो क्या होता है?
टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्राणी अपने बॉडी के टेम्परेचर को योग्य बनाने के लिए शिवरिंग करता है, कांपता है। तो ये भी काम किसके द्वारा होता है? मसल्स के द्वारा होता है, ताकि हमारा शरीर जो है वो काम कर एटीपी का उपभोग करे, और एटीपी लगने के बाद में जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। लिख लीजिए इस बात को, शिवरिंग। दूसरा पॉइंट लिखोगे आप, कांपना या शिवरिंग। किसके लिए होता है? टू राइज बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए शिवरिंग की जाती है, कांपने की प्रक्रिया होती है, वो भी किसके कारण होती है? मसल्स के द्वारा होती है, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। अरे लिखे इसमें दूसरा लिख लीजिए, ये काम जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, काम कर बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना या योग्य बनाना। ठीक है, जब जब एटीपी लगती है टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, दौड़ कर आते हो तो कई बार कहते हैं ना कि वो आजकल तो कोरोना का टाइम है तो वो बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, और आप भागकर उस स्थान पर पहुंचे हो तो वो आपकी बॉडी में टेम्परेचर देखा कि आपका तो टेम्परेचर आई है, साइड हो जाओ। तो उसको ये भी बताया जाता है कि भाई मैं तो भाग कर आया हूँ या भाग कर टैक्सी पकड़ी है, तो उस वजह से भी मेरा क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो एटीपी जब जब लगती है तो टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखिए, अगर मान लीजिए किसी प्राणी में मसल्स सही काम ना करें, मसल्स खराब हो जाए, तो क्या वो अपने शरीर को सादे रखेगा क्या? अरे सुनो मेरी बात, तीसरा काम है शरीर को सादे रखना। यदि मान लीजिए किसी प्राणी का मसल सिस्टम पीछे से मान लीजिए कोई भी खराब हो जाए सिस्टम, तो वो क्या ऐसे सीधा खड़ा रहेगा क्या? नहीं खड़ा रह पाएगा, गिर जाएगा। तो लिख लीजिए नेक्स्ट, शरीर को सादे रखना, शरीर को सादे रखना। शरीर को सादे रखना, ठीक है, शरीर को सादे रखना। नेक्स्ट लिखना, प्रतिवर्ती क्रिया किसके कारण होती है? मसल्स के कारण ही होती है। रिफ्लेक्स एक्शन को करवाना, प्रतिवर्ती क्रिया को करवाना, रिफ्लेक्स एक्शन लिख देती हूँ मैं, प्रतिवर्ती क्रिया को करवाना। ठीक है, ये लिख लीजिए। अगली बात पे आते हैं, अगली बात है प्रॉपर्टीज। ये तो था कार्य, नेक्स्ट आप लिखोगे गुण, मसल्स के क्या गुण होते हैं? प्रॉपर्टीज, हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे आप गुण या प्रॉपर्टीज। अगली हेडिंग लगाएंगे गुण या प्रॉपर्टीज। सबसे पहला गुण क्या है? उत्तेजनशीलता, एक्साइटेबिलिटी, उत्तेजनशीलता। कोई भी मसल्स होती है वो उत्तेजनशीलता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, सबसे पहले लिखिए एक्साइटेबिलिटी, उत्तेजनशीलता। बस नाम नाम लिखेंगे, मैटर अपने आप, ऐसा कुछ नहीं है कि पर्सन इनसे उठाया जाएगा तो आप लिख दो। उत्तेजनशीलता, उत्तेजनशीलता का मतलब क्या है पता है? डीपोलराइज्ड होना, द्विध्रुवी होना, ठीक है, विध्रुवी होना। वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में आएगा तब हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे उत्तेजनशीलता, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे आप कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी या संकुचनशीलता, संकुचनशीलता। सिर्फ गुण में नाम नाम लिखेंगे, संकुचनशीलता। तीसरी होती है इलास्टिक, इलास्टिक क्या होती है? रबड़ देखा है आपने, रबड़ को कितना ही बढ़ा दो वापस पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है, इलास्टिक होती है। मसल्स को आपने देखा है, कई बार ये बात कहते हैं ना कि जिम जाओगे नहीं इतने तो बॉडी रवेगी, कि जितने टाइम जिम जाते हैं उतने टाइम तो क्या ये बाइसेप्स बने रहते हैं, उसके बाद में क्या हो जाते हैं? वापस सामान्य स्थिति में आ जाते हैं धीरे धीरे। तो ये क्या होती है? मसल्स की इलास्टिक नेचर के कारण होती है, क्योंकि वो वापस अपनी, जैसे रबड़ को खींचते हैं वापस अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है ना, उसी प्रकार ये भी क्या है? अपने वापस पुनः स्थिति में आ सकती है, इलास्टिक, इलास्टिक। या लिख लेना ऐसा गुण जिसके द्वारा कोई भी सेल या पदार्थ अपने वापस पुनः स्थिति में आ जाता है, वापस वाली स्थिति में आ जाता है। ठीक है, इलास्टिक नेचर।
पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त करना। ठीक है, चार नंबर लिखोगे आप वर्ध्यता। वर्ध्यता, वर्ध्यता का मतलब क्या है, ये मसल्स है, इसको इधर से खींचेंगे तो इधर बढ़ जाएगी, इधर खींचेंगे तो इधर बढ़ जाएगी, इधर खींचोगे तो इधर बढ़ जाएगी, इधर खींचोगे तो इधर बढ़ जाएगी। यानी मसल्स में जहां से खींची जाएगी ये वहां बढ़ती है, वापस पुनः अपनी स्थिति में तो आती है लेकिन खींचा जाता है उस दिशा में बढ़ती है। ठीक है, तो ये चार कैरेक्टर गुण जो है वो आप लिख लें, उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, इलास्टिक और वर्ध्यता का गुण पाया जाएगा। इस तरह करके जो होते हैं मसल्स के हमने फंक्शंस देखे और मसल्स के प्रकार देखे और इनके गुणों को देखा हमने, तो ये टॉपिक जो है हमारे मसल्स का बेसिक फीचर्स जो होता है वो कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।